नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं परहा टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के बाईपास पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे साइड में जो यहाँ पर एक कंटेनर है, ये तीन घरों पर जो है आकर टक्कर हुई है इसकी, इस कंटेनर की, और तीन घर जो है इसमें बुरी तरह से जो है टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो गए। अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए, यहाँ से दिखाएं। ये जो इसमें घर है इसमें पूरे परिवार के साथ लोग रहते थे। शुक्र है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, लोग मामूली तौर से जो है घायल हुए हैं इस कंटेनर को यहाँ आने की वजह से। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक स्टील की जो है एक सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, और उस सुरक्षा दीवार को जो है तोड़ते हुए ये कंटेनर इन तीन घरों पर जो है आकर टक्कर हुई इस कंटेनर की, जिसमें दो घर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और घर भी, और इस घर में जो लोग रहते थे उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन लोगों को भी काफ़ी चोटें आई हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने बजे हादसा हुआ है। पौने छः बजे सुबह में हुआ है, 6:45। तो कितने लोग यहाँ पर घायल हुए हैं? मेरे घर में 5 जन थे, मेरे को लगा, मेरे बच्चे लोग को लगा, सबको लगा मार उसमें। मार लिया? हाँ। हॉस्पिटल में भेजा गया? हाँ, भेजा थे, गए थे। लड़की का पैर में मार लगा है, अभी लड़की उधर घर पे गई है, उठा के उधर छोड़ के आई हूँ, बाजू वाले के घर में खाना खा रही है। तो क्या जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आप लोग सो रहे थे या क्या कर? सोए थे हम लोग को होश नहीं था इतना जोर का कंटिन्यू, जब बाकी गिरा ना, सब ऊपर का गिरा ना, तब हमको मालूम पड़ा, तब बच्चे में निकालने, हमारे बच्चे का तो आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, हम तो सोचे हमारे बच्चे मर गए। फिर बाद में बच्चे लोगों को निकालने जाए तो उनकी सांसें फूल रही थी, तो आवाज़ दिए तो बच्चे लोगों ने आवाज़ दिए तो सब फटाफट आए, पब्लिक तो निकाले बाहर। आपका जो ये पहला घर जो टूटा हुआ है पूरी तरह से, ये आपका घर है, तो आपके घर में कुछ लोग घायल हुए? हाँ, मेरे जेठ को ज़्यादा मार लग गई है, सब को गिर गया, सब मार, ईंट भी गिर गई है, हमारे ऊपर भी गिर गई, मेरे आदमी को भी लग गया, सब सोए थे 6 बजे के टाइम पे, सब उठने वाले थे, तो अभी बोले और थोड़ा लेट सो जाते, थोड़ा लेट के बाद उठेंगे, तो चले दर्द ईंट वीट सब गिरने लगी हम लोग के अंग पे। ये नहीं हो, दिमाग नहीं काम कर रहा था कि हम लोग किधर से किधर जाए, एकदम दिमाग सब आपके सामने एकदम अंधेरा। फिलहाल अभी जितने भी लोग घायल हुए हैं उन लोगों को हॉस्पिटल में भेजा गया है। पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस आई थी। जो ड्राइवर है वो पुलिस लेकर गई उसे? पहले ही भाग गया, हम लोग होश आने से पहले ही वो चले गए पुलिस चौकी में जमा हो गया। हम लोग तो बाद में निकले, कैसा कैसा पब्लिक आके हम लोग को निकाली, अभी तो ठीक है। तो आपने सुना कि ये जो महिलाएं हैं ये बता रही हैं कि जो है जनता के द्वारा इनको जो है इन घरों से निकाला गया, हालांकि ये घर जो आप देख रहे हैं पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर एक और दो, ये दो घर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, और जो तीसरा घर हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरा घर है जिसको लग कर अभी कंटेनर खड़ा हुआ है, जबकि कंटेनर निकाला जाएगा तो बाई चांस ये घर भी जो है पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। हम आपको दिखाना चाहें कि जो ये कंटेनर है वो इसी बाईपास से होकर आ रहा है, वो इसी बाईपास से आकर, और यहाँ जो सुरक्षा दीवार, जो स्टील की सुरक्षा दीवार लगाई गई है उसको तोड़ते हुए ये कंटेनर जो है घरों पर गया, जिसमें दो घर पूरे तरह क्षतिग्रस्त हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो बाईपास है ये लगातार हादसों का जो है बाईपास बनते जा रहा है, 130 लोगों ने जो है इस बाईपास पर अब तक अपनी जान गंवा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस रोड पर ना ही कोई सर्विस लाइन है और ना ही कोई सुरक्षा दीवार है। बीते दिनों दो घटनाएं हो चुकी हैं इस बाईपास पर, जो लूटपाट की वारदात सामने आई है उसमें भी तलवार चाकू से जो है हमला कर इसी बाईपास पर जो है लूटने की कोशिश की गई, वो भी अंधेरे में, क्योंकि इस बाईपास पर कोई भी जो है स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है, और ना ही कोई सुरक्षा दीवार है यहाँ पर, और ना ही कोई सर्विस रोड है। बाइक सवार जो बाइक चलाते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक अलग से जो है एक सर्विस रोड बनानी चाहिए, ताकि बाइक चलाने वाले जो लोग हैं उससे जो है वहाँ से सफ़र कर सके, जिससे हादसों पर लगाम लग सकती है। फिलहाल यहाँ पर बाईपास पर जो है सुरक्षा दीवार की काफ़ी मांग है, और लोगों का कहना है यहाँ पर कि सुरक्षा दीवार यहाँ पर बनाई जाए, लेकिन हमारी शासन प्रशासन है कि जो है चैन की नींद सो रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, परहा टाइम्स, मुमरा।